अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पार्क व्हील्स रैली ड्राइवर गैरेज टूर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मुल्तान में मौजूद हैं, मेरे साथ फैसल शादी खेल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल अपना टाइम देने का। फैसल जो है पाकिस्तान की रैली सीन में अगर हम देखें, जो हम पहले भी बात करते हैं दो तीन एपिसोड में, कि एक ज़माना था कि बहुत जो है ना एक सीनियर ड्राइवर्स जो हैं पाकिस्तान रैली सीन में उनका बहुत ज़्यादा नाम था, बट रिसेंटली अगर हम देखें एक यंगस्टर्स का एक ग्रुप है जिसका ये भी हिस्सा है, वुल्फ पैक, हमने पहले भी आपको बताया, आसिफ फजल चौधरी साहब भी उसका हिस्सा है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है कि मैं जब भी रैली में जाता हूँ मैं देखता हूँ कि जो टॉप पोडियम्स हैं उनमें तमाम यंगस्टर शामिल होते हैं। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है यूथ के लिए, इसलिए हमने कोशिश करेंगे कि आज इनसे इनकी जर्नी जो है वो डिस्कस करेंगे, किस तरह इन्होंने रैली को ज्वाइन किया और आप सबसे इनका जो है सफ़र उसको शेयर करें। फैसल बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपने किस सन में जो है रैली शुरू की। मैंने 2013 में पहली रैली चोलिस्तान में की। 2013, सेवन ईयर्स बैक। और क्या इंस्पिरेशन थी, कैसे आपको ख्याल आया? मेरी फैमिली के मतलब अंकल हैं मेरे और मेरे मामू हो गए, ये लोग पहले की रेसिंग करते थे। ठीक है। तो आई हैड एन आइडिया कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। ठीक है। तो जैसे ही ग्रेजुएट किया तो नेक्स्ट रैली चोलिस्तान थी, सही, 2013, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। 2013 में ब्रेक डाउन हो गई मेरी गाड़ी, फिनिश नहीं कर सका मेरे। ठीक है। तो पहले सी में प्रिपेयर की, फिर नेक्स्ट ईयर सी प्रिपेयर में हाइलेक्स प्रिपेयर किया, उसमें रोल केज हो गया, फिर सस्पेंशन हो गई, सही है, फिर कोई इंजन में थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके चिप लगाई, मैंने रेस फिनिश की। ठीक है। तो कुडंट गेट ऑन द पोडियम, सही है। फिर जो मेरी थर्ड रेस थी बी प्रिपेयर में, ठीक हो गया, 1KD हाइलेक्स था, सही, तो उसमें फर्स्ट टाइम मैंने सेकेंड पोडियम लिया 2015 में। ठीक है। और वो इस तरीके से कि रेस से पहले ही मैंने अपनी गाड़ी प्रैक्टिस में ही तोड़ दी, सही है। तो मुझे मेरी मैकेनिकल टीम ने तब नहीं बताया कि नीचे इंजन का फाउंडेशन टूट गया था, सही है। तो उन्होंने जो गाड़ी के नीचे प्रोटेक्शन वाली स्किड प्लेट होती है उसके और इंजन माउंट के बीच में उन्होंने एक जैक रख दिया, सही है। तो मैं उस जैक के साथ पूरी रेस भी कम्प्लीट करके आ गया। अच्छा अच्छा। तो बाद में पता चला कि जैक रखा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सो 2015 में आपको पहला ब्रेक मिला एज़ फार एज़ पोडियम इज़ कंसर्न, और उसके बाद तो मैं देखता हूँ कंसिस्टेंटली अगर हम लिस्ट देखते हैं जब भी आती है तो उसमें आपका कोई ना कोई पोडियम ज़रूर होता है। सो सी से लेके अब आप ए प्रिपेयर्ड में आ गए। ए प्रिपेयर्ड में। ठीक है। तो आपको ये कोई ख्याल नहीं है जो यूजली लोग कहते हैं कि जी ये तो बड़े बिग नेम्स और जो बड़े बड़े पुराने रैली ड्राइवर हैं ये उनका जो है ए प्रिपेयर्ड क्लास है और ये वही जीतेंगे, मैं नहीं जीत सकता, तो आपने इसको ओवरकम कैसे किया? बेसिकली जैसे आपने वुल्फ पैक के बारे में बताया, सही है, तो वो हमारी वुल्फ पैक स्ट्रेटेजी है। ठीक है। जिसमें हम सारे यंगस्टर्स हैं, हमने सबने मिलके इकट्ठा स्ट्राइक करना है। ठीक है। ऑल ऑफ अस हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, हमारी गाड़ियां भी हमने अप टू द मार्क बनाई हुई हैं। सही। अच्छा, रैली के अलावा बाकी मैं देख रहा था कि आपकी जितनी कलेक्शन है बहुत खूबसूरत है, और हम अपने व्यूअर्स के लिए बेसिकली इस सीरीज़ में भी कोशिश ये करते हैं कि आपकी एवरीडे ड्रिवन जो गाड़ी है उसके बारे में डिस्कशन करें। तो अगर हम स्टार्ट करें तो आप बताना चाहेंगे कि आप डेली ड्रिवन एवरीडे कौन सी गाड़ी यूज़ करते हैं? डेली ड्रिवन में एक 80 सीरीज़ है और साथ में ये 200 सीरीज़। अच्छा, ये डेली ड्रिवन यूज़ करते हैं। जो 80 सीरीज़ है ये बड़ी खूबसूरत है और ये बड़ी, अगर लैंड क्रूजर को देखा जाए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इससे पहले अगर 4x4 होती तो पिजारोज जो है वो बड़ी इन थी 90s में। तो ये पहली लैंड क्रूजर थी जिसने जैसे कहते हैं ना आइस ब्रेक की थी पाकिस्तान में, लैंड क्रूजर ब्रांड को अगर जैसे कहते हैं ना उसका लोहा मनवाया था, तो ये इसमें किया था, ये मॉडल था। तो 80 सीरीज़ जो है इसके अंदर इंजन कौन सा? इसके अंदर 4.5 गैसोलीन इंजन है। अच्छा, पेट्रोल 4.5। पेट्रोल 4.5, सही। एंड दिस इज मॉडल ईयर 95। ठीक है। एक आपका डेली ड्रिवन ये हो गया, इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन मुझे लग रहा है, इसकी हाइट जो है नॉर्मल से थोड़ी ऊंची लग रही है। इसके अंदर फॉक्स की सस्पेंशन है बड़ी, बाकी गाड़ी बिल्कुल स्टैंडर्ड है। ठीक है, फॉक्स की सस्पेंशन है। फॉक्स की सस्पेंशन है, सही। तो काफी बेहतर राइड है इसकी। और आप इसको एवरीडे तौर पे यानी डेली ड्रिवन के तौर पे यूज कर रहे हैं? हां जी। रिलायबिलिटी वाइज आपको क्या लगता है कि ये कैसी है? पुरानी गाड़ियों से लोगों को थोड़ा परेशानी होती है कि शायद रिलायबल नहीं होगी। सो फार एक साल से ऊपर हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है। और इसके स्पेयर्स का भी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोयोटा के स्पेयर्स तो बड़े आराम से मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये 200 सीरीज जो है ये कौन सा मॉडल है? ये 2010 है, AHD है, बिल्कुल स्टैंडर्ड गाड़ी है। सही है। सिर्फ इसमें सस्पेंशन अपग्रेड है। सही है। इसमें किंग्स के रिजर्वायर वाले शॉक्स। अच्छा, ये जो आपकी दोनों गाड़ियों में जो आपने सस्पेंशन चेंज किया हुआ है, आम यूजर्स के लिए बताएंगे कि क्या फर्क पड़ता है, किंग्स है या फॉक्स है? ऑन रोड ड्राइविंग के लिए देखें इनके अंदर एडजस्टमेंट का काफी रोम है। ठीक है। तो रोड के लिए आप डिफरेंट एडजस्टमेंट रख सकते हैं। सही है। तो मतलब विद इन 2 to 3 minutes आप इनके एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऑन रोड के लिए बिल्कुल एक कंफर्टेबल राइड है, मुझे तो ये स्टैंडर्ड सस्पेंशन से बेहतर लगती है। ठीक है। ऑफ रोड में जिसके एडजस्टमेंट चेंज करें फिर इट्स गुड टू गो, आप इस पर चाहे आप जंप करें
चाहे आप इस पर जितनी मर्जी स्पीड पे ऑफ रोड में जाएं, सही, नो प्रॉब्लम। रोड के ऊपर भी एक बहुत कंफर्टेबल राइड मुझे फील होती है कि इसमें है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप क्या, मैं देख रहा हूँ कि आपने जो चीज़ जिस मॉडल में है उसको वैसे ही रखा है, बिकॉज एक हमारे यहाँ पे ट्रेंड है कि लोग फेस लिफ्ट कर लेते हैं, तो ये भी जितनी अपनी जिस तरह आई थी कंपनी से, अगर आप इसको देखें तो इसकी एक एक चीज़ पूरी है। इसी तरह ये भी 2010 जो है उसी अपने उस मूड में है, उसको फेस लिफ्ट वगैरह नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, सिर्फ सस्पेंशन अपग्रेड है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे मुझे एफजे क्रूजर नज़र आ रहा है, जो कि एग्जैक्ट सेम कलर है रजा साहब एफजे क्रूजर है। सो ये कौन सा मॉडल है? ये 2013 सही, बिल्कुल स्टैंडर्ड गाड़ी है, कोई मॉडिफिकेशन। अगेन इसमें मैं ये बता रहा हूँ, इसकी ब्यूटी मुझे ये नजर आई कि हर चीज़ जिस तरह कंपनी से आती है बिल्कुल वैसे है। इसके अंदर 1GR है, 1GR इंजन। अच्छा, आगे अगर हम चले जो टकोमा है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में खड़ा किया है, जबकि हमारे यहाँ पे मैं देखता कि रैली के अंदर आहिस्ता आहिस्ता टकोमास बड़े इन हो गए हैं, और जो भी टॉप पोडियम्स में आ रहे हैं उनमें टकोमास बहुत है। तो आपका ये जो एवरीडे ड्रिवन है कि इसको भी आपने रैली पर्पज़ के लिए लिया? ये एवरीडे ड्रिवन में भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, और प्राइमरी ये रैली पर्पज़ के लिए आता है, तो ये एज ए रैकी व्हीकल यूज़ होती है। ठीक है, इसमें भी सब कुछ स्टैंडर्ड है, सिर्फ सस्पेंशन अपग्रेड है। ठीक है, सो तमाम गाड़ियों में सस्पेंशन आपकी ऐसी है कि आप किसी भी गाड़ी को डेजर्ट में भी उतार सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से थल का ट्रैक इज जस्ट लाइक 20 मिनट्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे वीकेंड्स पे प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं, वीकेंड्स पे जाके किसी ड्यून पे शाम को बैठ गया। ठीक है, तो वैसे जितने यंगस्टर्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं रैली सीन को, ये वो, तो आपके ख्याल से जिस तरह किसी ने क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्स है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे एवेन्यूज कम है, खासतौर पे वो लोग जो कि डेजर्ट से दूर हैं, उनके लिए प्रैक्टिस के लिए कोई इतनी जगह मौजूद नहीं है। बट डू यू थिंक प्रैक्टिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कि कोई भी आके किसी दिन पहले दिन डेजर्ट में चला जाए तो इक्वल ग्राउंड है? प्रैक्टिस काउंट करती है। ठीक है, अब जैसे देखें, आप गाड़ी प्रिपेयर कर रहे हैं, सही है, जैसे इस्लामाबाद में जो रैली ड्राइवर्स हैं वो लोग अपनी गाड़ी प्रिपेयर करते हैं सारा उसके ऊपर, बट उनके पास कोई ऐसी नियर अबाउट बिल्कुल ऐसी कोई जगह नहीं, कोई टेरेन नहीं है जहाँ पे जाके वो अपनी गाड़ी को टेस्ट एंड ट्रायल कर सकें। सही है, तो ये साउथ पंजाब वाले तो मेरे ख्याल ब्लेस्ड है इस लिहाज से, मैं देख रहा था कि निकले आधे घंटे के अंदर डेजर्ट है। हमें अगर गाड़ी को लॉन्गर ट्राई देना है तो चोलिस्तान इज जस्ट लाइक 2 आवर्स फ्रॉम हियर। सही है, और अगर हमें सस्पेंशन का ट्रायल लेना है या कोई मॉडिफिकेशन की है उसका ट्रायल लेना है तो हम लोग थल जाते हैं। और अभी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जितनी रैलीज होती है उसमें से आपकी फेवरेट कौन सी? वैसे चोलिस्तान। रीज़न? चोलिस्तान एंड्योरेंस रेस है, उसमें 500 किलोमीटर का ट्रैक है। सही है, 550 किलोमीटर। सही है, तो आपको रेस को मैनेज करके जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब ऑल फोर दिल की नहीं दिमाग की गेम है। हाँ, एग्जैक्टली सही, तो मतलब आपको परफॉर्म भी करना है फिर गाड़ी को बचाना भी है, बचाना भी है उसमें। तो मैं चोलिस्तान एवरी ईयर रेस भी करता रहा हूं। सही है, मैंने चोलिस्तान की रेस मिस नहीं की कभी। ठीक है, तो मेरे रिजल्ट्स भी चोलिस्तान बेहतर आए, तो इस वजह से भी चोलिस्तान सही थी, फेवरेट लिस्ट में आता। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे मुझे 70 सीरीज की तीन गाड़ियां नजर आ रही हैं, एक 79, 75, 71। तो लगता है कि 70 सीरीज आपकी कोई खास फेवरेट है? 70 सीरीज काफी टफ गाड़ियां हैं। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग रैली के लिए यूज़ करते हैं साथ में, तो रैली पे गाड़ी को टो करना हो या कुछ भी हो तो 70 सीरीज से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है, और ट्रबल फ्री आप इनसे जो भी जॉब लेना चाहें तो आप इनसे ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये 2015 है, डबल कैबिन 79 सीरीज। ठीक है, इसमें पेट्रोल 1GR है, पेट्रोल और मैनुअल इंजन है, मैनुअल ट्रांसमिशन, वही इंजन है जो आपके FJ में भी है, टकोमा में भी है, इसमें भी है, इसमें भी सेम है, 4000cc पेट्रोल 1GR। ठीक है, तो और ये 2015 है, ये 2015, ये भी गाड़ी बिल्कुल स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसमें भी सिर्फ सस्पेंशन का अपग्रेड है, इसमें मैं देख रहा हूँ किंग से शॉक लगे हुए हैं, बाकी सारा कुछ फैक्ट्री फिटेड तरह आता है, सब कुछ स्टैंडर्ड है इसमें। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि हमें पाकिस्तान में ये गाड़ी, क्योंकि मैं देखता हूँ 70s से यही मॉडल आ रहे थे, आर्मी के पास भी है, फिर उसमें RKR भी आता है, और अगर किसी भी बंदे ने पाकिस्तान में पहली बार जीप तैयार की तो वो यही होती है इनवेरिएबली। तो अब इसकी प्राइस रेंज का कोई आइडिया देंगे? बिकॉज देखने में शायद लगता है कि ये बड़ी बड़ी पुरानी, बड़ी आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये एक बड़ी मॉडर्न गाड़ी है और आज के इसमें जितने नेसेसरी इक्विपमेंट है उसमें मौजूद है। दो साल पहले की बात करें तो इसकी प्राइस ब्रैकेट 5 to 6 million के बीच में थे। ठीक है, अब तो तकरीबन 10 million प्लस होगी। अभी की सूरत हाल है डॉलर की वजह से तो फिर तो ऑलमोस्ट 10 million 10 million के करीब होगी। सही है, और इसकी जो आगे ट्विन सिस्टर कह सकते हैं, देखने में कलर भी सेम है, दैट इज अ सिंगल कैब, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि क्या है? 1HZ 4.2 नॉन टर्बो ड्यूल टैंक्स हैं इसमें। अच्छा, ये वो मेरा ख्याल है गाड़ी जो आप बता रहे थे कि इसके लिए आप इसको अगर रैली पे लेके जाना है ट्रॉली भी बांध लेते हैं और गाड़ी भी टो करने के लिए सारे रैली के स्पेयर्स लेकर जाने के लिए। ठीक है, मिड पॉइंट पे
सर्व करने के लिए, तो फिर ये गाड़ी यूज़ होती है। ये भी मैनुअल है? ये भी मैनुअल है, बिल्कुल स्टैंडर्ड गाड़ी है। ये 2005 है, सस्पेंशन अपग्रेड है और बाकी गाड़ी बिल्कुल स्टैंडर्ड है। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है पीछे लीफ स्प्रिंग होता है। लीफ स्प्रिंग्स, इसमें भी लीफ स्प्रिंग्स है, उसमें भी लीफ स्प्रिंग्स हैं। ये दोनों 2001 के बाद जो मॉडल आए हैं, सही है, तो उनमें स्प्रिंग एंड अलग है। हम लोग इसके ऊपर पूरा सामान लोड करके पीछे 3.5 टन की ट्रॉली लगा के, सही है, उसके ऊपर रेस कार रख के, 800 लीटर फ्यूल भी ट्रॉली के ऊपर। अच्छा। और फिर स्टाफ भी इसमें। अच्छा, तो ये सब कुछ सारे सामान के साथ यहाँ से ये ड्राइव करके गवादर गई। सही है। फिर वहाँ पे जाके 2 दिन मैंने इसके ऊपर रेकी की, गवादर के ट्रैक के ऊपर। सही है। और फिर ये वापस ड्राइव करके गाड़ी विदाउट एनी मेंटेनेंस वर्क वापस मुल्तान भी आई विद ऑल द सेम लोड। इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अगर कोई भी इसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आएंगे तो ग्रेजुअली अपनी वो स्पीड स्लो करती जाएगी, ठीक है, बट ये रुकेगी नहीं। आगे चलते हैं, आगे जो खड़ी है इसको ट्रूपी बोलते हैं। जी, ये ट्रूप कैरियर है, 71 सीरीज। सही है। ये 2004 मॉडल है, ठीक है, तो ये भी रिसेंटली, ये भी मेरा ख्याल है वुल्फ पैक की रिक्वायरमेंट है, आसिफ भाई के पास भी था और आपके पास भी है, तो अगर हमने भी वुल्फ पैक का मेंबर बनना है तो पहले हम ट्रूपी ढूंढे। अच्छा, फिर तो मुश्किल काम है आपने। ये वुल्फ पैक के अंदर एक थॉट था कि जो है ना ट्रूप कैरियर जो है, सही है, ये हमारे मिड ब्रेक्स के लिए हो, ठीक है, तो फिर जैसे वो मुनासिब प्राइसेस में मिलती गई तो हम लोग फिर टर्न बाय टर्न लेते हैं इसको। वैसे अगर रैली के अलावा स्टैंड अलोन किसी ने टूरिंग के लिए यूज करना चाहे तो मेरा ख्याल है बड़ी रिलायबल चीज है, काफी रिलायबल चीज है। सरप्राइजिंगली मैं ट्रैवल किया इसके ऊपर लास्ट वीक, तो सरप्राइजिंगली इसकी सस्पेंशन मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर थी। सही है। हम लोग पीछे 6 लोग पीछे बैठे हुए थे और 3 लोग हम आगे बैठे हुए। सही थे। है। तो बिल्कुल ट्रबल फ्री, इजीली सब लोग। इसके अंदर भी सेम इंजन डीजल है? सेम स्पेसिफिकेशन है, वो सिंगल कैब है और ये नॉन टर्बो 42 सीसी, अगेन इट्स आल्सो मैनुअल। अच्छा, आप मुझे लगता है कि मैनुअल गाड़ियों के बड़े शौकीन है। वो आसिफ भाई के पास भी ये वुल्फ पैक वाली काफी चीजें कॉमन नजर आ रही है मुझे। वो वुल्फ पैक का जो कॉन्सेप्ट है, ये यंगस्टर सारे जो है मैनुअल गाड़ियां चला रहे हैं। ये भी ड्यूल टैंक है बड़ी, ठीक है, और इसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा स्पेस है। और इसके अंदर अगर आपने वही बात है कैंपिंग शैंपिंग के लिए जाना है तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे मुझे एक लैंड रोवर नजर आ रही है जिसका मैं कोई इतना खास फैन नहीं हूँ, और यू बीइंग अ टोयोटा फैन, सो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस, इसके पीछे क्या स्टोरी है और ये आपने कब ली थी? ये टोयोटा में एक हमारे रैली ड्राइवर हैं। सही है। सईद शिवानी साहब, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वहाँ पे कोई आर्मी ऑक्शन की गाड़ियाँ देखी, डिफेंडर। सही है। तो हम रैली वालों ने मिल के कोई 13 के करीब, अच्छा, डिफेंडर्स वहाँ से सबने खरीदे। सही है। शिवानी साहब ने वहाँ से लेकर की, ठीक है, ये गाड़ी इस्लामाबाद में तैयार हुई, ठीक है, इसके आइडेंटिकल बिल्कुल एक दूसरी डिफेंडर भी सेम कलर सेम स्पेसिफिकेशन पे ही प्रिपेयर हुई, ठीक है, ये आसिफ चौधरी ने, आसिफ फजल ने इस्लामाबाद में प्रिपेयर की। हाँ जी, उनकी हमने रिव्यू में देखी भी थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, 2.5 कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, 2.5 टर्बो इंजन है। सही है। मैनुअल? मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बड़ी आपने मैनुअल की लाइन रखी हुई है। कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म्स नहीं है इसमें, बेसिक्स है। सही है। लेकिन रिलायबिलिटी टोयोटा से कंपैरेटिवली मेरे ख्याल में कम होगी। आई थिंक इनकी जो खास तौर पे जो एबिलिटीज है आप उसकी बता रहे थे कि टोइंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लो आरपीएम पे टॉर्क ज़्यादा है, तो उस लिहाज से ये गाड़ी उस जी नीड के लिए सूटेबल है। उस नीड के लिए सूटेबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ। पर अभी इसमें कोई ऐसा ट्रायल किया नहीं हमने। बट इसके अंदर भी मेरा ख्याल है कोई ऐसा लग्जरी है ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, टोटल से कहते ना कि सब कुछ बेसिक है इसमें, जो टास्क है वो पूरा करेगी, आप इसको लग्जरी के तौर पर इस्तेमाल, लग्जरी के तौर पर नहीं इस्तेमाल करोगे, सब कुछ बेसिक है, कोई अंदर डैशबोर्ड में सही एक्स्ट्राज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया आपकी एवरीडे कार, इसमें हमने पीछे देखी दो आपके भाई की, मेरा ख्याल है वो बाइक और एक स्मार्ट कार है, वो आपका शौक है कि भाई का शौक है? मेरा भाई है, ट्विन ब्रदर है। अच्छा, असद। सही है। तो उसको पुरानी गाड़ियाँ, बाइक्स, हॉर्सेस, डिफरेंट स्पेक की चीज़ें रखने का उसको शौक है। अच्छा। बड़ा तो ये असद साहब भी मैंने रैली में एक दो दफा उनको देखा कि वो रैली भी करते हैं। असद जी रैली करते हैं वो। अच्छा, तो अब उन्होंने ये बाइक और डिफरेंट गाड़ियों का शौक रखा है। जी, ये हाले है, ठीक है, हार्ले डेविडसन है, वी रॉड मॉडल, ठीक है, राइड भी कर रहे हैं और ये स्मार्ट जो है उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है डिफरेंट फ्लेवर्स ले रहे हैं, घोड़े, रेस, ये वो। आपको नहीं शौक बाइक का? मुझे बाइक का बिल्कुल शौक नहीं है। अच्छा, मेरी तरफ बाइक से वर्स है, मैं एसयूवी यूज करता हूं। ठीक है, मैं ये देख रहा हूं कि आपकी पूरी कलेक्शन में सारी जीप है, नॉर्मली कोई गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं? करते हैं, गाड़ी नहीं, सारी वो एसयूवी, सारी एसयूवी है, सारी। और लोकल में आपने बताया था कि फॉर्च्यूनर आपने इस्तेमाल किया? फॉर्च्यूनर इस्तेमाल किया, फॉर्च्यूनर में वी किंग्स सस्पेंशन का अपग्रेड था, ठीक है,
तो मेरा ख्याल है इस दरवाजे को क्रॉस करने के लिए प्री रैके के सस्पेंशन किंग्स की होनी चाहिए। अभी हम आपकी चल के रैली वाली गाड़ियां भी देख लेते हैं ताकि ये तो एक नॉर्मल एवरीडे कार्स होंगी, तो रैली की जो आपकी गाड़ी है आपने उसको प्रिपेयर किया, मुझे पता है कि आपने बड़े उसकी एक्सटेंसिव स्टडी की है, और मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट प्रिपेयर कार अगर मैं कहूँ रैली में आपकी है पाकिस्तान में। और मैंने पहली बार जब सरफरंगा में वो गाड़ी देखी तो मैं थोड़ी देर उसको देखता रह गया था कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई हुई है, और ये लिमिट भी पाकिस्तान में जो है लोगों ने रीच की है जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हम अब चलते हैं आपको रैली की गाड़ी दिखाते हैं। सो अब हम आगे फैसल भाई की जो रैली जीप रैली ट्रक जिसको कह सकते हैं उसके पास आ चुके हैं, तो फैसल भाई इसकी डिटेल बताएंगे क्या मॉडल है कौन सी गाड़ी है, बिकॉज आम बंदे के लिए तो मेरा ख्याल रिकग्नाइज़ करना मुश्किल है कि कौन सी गाड़ी है। ये 2014 हाइलक्स है, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ही मॉडिफाइड है, सही है, इसकी लेंथ भी मॉडिफाइड है, इसकी इंजन की प्लेसमेंट भी ऑलमोस्ट 12 इंचेस पीछे किया हुआ है, आगे इसका टोटल क्या उसकी सस्पेंशन लगी हुई है जो ऑलमोस्ट हर रैली गाड़ी में लगी हुई है। सो ये ए स्टॉक ए प्रिपेयर्ड की गाड़ी, ए प्रिपेयर्ड की गाड़ी है। इसकी पूरी बॉडी भी कार्बन फाइबर की है जी, इसकी नहीं, इसके ये हुड और फ्रंट टू डोर्स वो कार्बन फाइबर, सही है। आप बता दें सस्पेंशन इसमें लगा हुआ टोटल क्या, ये पहले प्राइमरी कॉइल ओवर आ गया, फिर सेकेंडरी ट्रिपल बाईपास शॉक आ गया, ठीक है, फिर ये टोटल कॉस्ट की आर्म्स आ गई इसमें, सही है। तो रेयर सस्पेंशन पे इसके फोर लिंक सस्पेंशन है, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड हाइलक्स में लीफ स्प्रिंग्स आते हैं, सही है। तो इसकी नीचे वाली लिंक्स हो गई, ये अपर टू लिंक्स हो गई, सही, यहाँ पे इसका स्वे बार आ गया, ठीक है, तो लिमिट स्ट्रैप बेल्ट होता है जो कि अभी उतरा हुआ है, तो लिमिट स्ट्रैप बेल्ट जो है वो इसकी जब गाड़ी फुल ड्रूप में आती है, सही है, जहाँ पे आपने सस्पेंशन को लिमिट करना होता, ठीक है, एक ऐसी पोजीशन पे कि जहाँ पे आपका ड्राइव शाफ्ट और ये सब कुछ एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आए, ठीक है, तो लिमिट स्ट्रैप बेल्ट को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है, सही है, कि जब गाड़ी फ्लाई कर रही है, बिल्कुल सही है, ड्यूरिंग द रेस तो एक पर्टिकुलर लेवल पे वो ड्रूप करे, ठीक है, तो लिमिट स्ट्रैप बेल्ट स्ट्रेच करके उसको वहाँ पे रोक लेंगे। अच्छा, ये 2014 मॉडल है, इसमें ये थाई मॉडल है कि पाकिस्तानी वाला है? ये थाईलैंड वाला मॉडल, थाईलैंड मॉडल है। अच्छा, ये गाड़ी जो तैयार हुई है जितनी प्रोफेशनली तैयार है, इसका हम इंटीरियर भी दिखाते हैं, तो ये पाकिस्तान में बनी है, थाईलैंड में बनी है, कैसे बनी, कितना टाइम लगा? 2014, 2015 and 2016 आई गेस, मेरे पास थाईलैंड की टीम रेसिंग टीम आई, ठीक है, उनको 3 साल मैंने होस्ट किया, वो लोग चोलिस्तान में आए, ठीक है, तो उनकी गाड़ियों की फैब्रिकेशन काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, तो ये तो वहाँ पर फिर मेरा एक बेहतर कनेक्शन भी डेवलप हो चुका था, सही है, तो उन लोगों ने बहुत हेल्प किया वहाँ पे गाड़ी को बनाया, तो मेरे लिए सूटेबल था कि फिर मैं, वैसे तो यूएस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सही है, लेकिन थाईलैंड में भी काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशंस हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स है, ठीक है, तो मेरा वहाँ पे कनेक्शन भी बेहतर था, सही है, और मैकेनिक को भी मैं बेहतर तरीके से जानता था वहाँ पर, ये गाड़ी पूरी मॉडिफाइड थाईलैंड में हुई, सही है। और इसके अंदर इंजन कौन सा था जब ये आई? जब ये आई तो इसमें 2UZ VVTi 4.7 जो कि लैंड क्रूजर 2007-08 में है, सही है। और अभी इसके अंदर कौन सा इंजन? अभी इसके अंदर हमने स्वैप किया है 1UR 4.6 जो कि 202 लैंड क्रूजर में आता है, हाँ जी, ठीक है। और उसके साथ सुपर चार्जर आप बता के लगे? सुपर चार्जर अभी एडिशनल अभी फ्यू मंथ्स पहले इसमें लगाया, ठीक है, और अभी उसको रेसिंग के ट्रायल में नहीं लेकर आए। अच्छा, अभी तक ट्रायल नहीं किया। अभी अच्छा, इसके अगर हम इंटीरियर दिखाना चाहें लोगों को, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मुझे नज़र आई थी, तो ये कूल शर्ट है, ये किस चीज़ के लिए, ये क्या करता है? ये बेसिकली कूल शर्ट का बॉक्स है पड़ा, इसमें ठंडा पानी आइस के साथ होता है, ठीक है, फिर इसकी कनेक्शन होते हैं जो कि पूरा ये पाइप्स हैं, ठीक है, जो कि बॉक्स के अंदर कनेक्टेड हैं। सिमिलरली ड्राइवर एंड को ड्राइवर ने शर्ट्स पहनी हुई होती है जिनके अंदर पूरी पाइपिंग होती है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली उसके साथ, अगर आपको रेस में पानी पीना है तो डायरेक्ट वहाँ से आएगा, नहीं, ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो आपकी शर्ट है ये, मतलब स्विच जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो वो ठंडा पानी शर्ट के अंदर सर्कुलेट करेगा, ठीक है। इसका 139 लीटर का फ्यूल टैंक है, ठीक है, इस फ्यूल टैंक की खासियत ये भी है कि ये काफ़ी सेफ है फ्यूल कैरी करने के लिए रेस के लिए, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर रोल ओवर वॉल्व्स लगे होते हैं, ठीक है, अल्लाह नहीं करे कि आपके साथ कोई हादसा पेश आए तो वॉल्व्स होते हैं, जैसे गाड़ी टोपल होगी तो वो वॉल्व्स क्लोज उसके फ्यूल के सप्लाई को रोक लेंगे, ठीक है, तो इट्स रियली सेफ ताकि गाड़ी आग वगैरह ना पकड़े, हाँ। इसका फ्यूल टैंक से फ्यूल इनलेट इस तरफ से आ रहा है, ये ड्यूल फ्यूल पम्प्स हैं, ठीक है, तो पहले दो फिल्टर्स हैं, सही है, एंड देन दो फ्यूल पम्प्स है और ये फ्यूल रेगुलेटर है, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल काम करते हैं कि अलग अलग करते हैं? ये दोनों पैरेलल भी काम कर सकते हैं, ठीक है, बट हम लोग इसको वन पंप एट वन टाइम चलाते हैं, सही है, तो सेकेंडरी जो है वो आप ऐसे समझे कि एज ए रिजर्व,
ठीक है, अगर आपका एक पंप काम छोड़ दे तो आप दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो पहले फ्यूल फिल्टर्स हैं और फिर फ्यूल पंप्स हैं। सही है। एंड देन द फ्यूल टू द इंजन। और ये ऊपर जो रिजर्वायर नजर आ रहा है, इसे कूलेंट का? ये इसके कूलेंट का, रेडिएटर कूलेंट, जो कि आपने बताया इसका प्राइमरी कूलिंग सिस्टम जो है पीछे है, तो ये इसका ये सिस्टम है। और यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक की एयर आउट। सही है। ये इसका फिल्टर लगा हुआ है। इसके अंदर ड्यूल रेडिएटर्स हैं। ठीक है। तो प्राइमरी रेडिएटर पीछे है, सेकेंडरी रेडिएटर फ्रंट पे है। नॉर्मली गाड़ी में तो प्राइमरी आगे होता है, इसका प्राइमरी पीछे, प्राइमरी पीछे, सेकेंडरी आगे। ऊपर हुप बना हुआ है। ठीक है। स्कूप से एयर अंदर इसके एंटर होती है। बिल्कुल ठीक है। और एक सेंसर आगे इंजन के आउटलेट पे लगा हुआ है। सही है। तो जहाँ से वो सेंसर टेम्परेचर मॉनिटर करता है। सही। तो एज पर नीड, ठीक है, तो वो सेकेंडरी रेडिएटर एक्टिव हो जाता है। सही। और एल्स एक स्विच है गाड़ी में जो कि हम ऑन कर देते हैं तो बोथ ऑफ द रेडिएटर्स वर्क करते हैं। तो आपको अंदर अगर नजर आ रहा है कि टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जा रहा है तो आप दोनों को ऑन कर सकते हैं। हाँ जी, ड्यूरिंग द रेस चोलिस्तान की 550 किलोमीटर की रेस है, मुझे नहीं याद मेरी गाड़ी का टेम्परेचर 70 सेल्सियस से ज्यादा गया, विच इज वेरी आइडियल। अच्छा, इंटीरियर में जरा मैं आपसे पूछा था कि इसकी जो सारी मॉनिटरिंग है वो, अगर आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो उसका मीटर बड़ा डिफरेंट लग रहा है, ये कौन सी गाड़ी का मीटर है? ये लैंड क्रूजर, क्योंकि इसमें इंजन जो है वो 202 वाला, तो उसका कैलिब्रेशन किया। ठीक है, तो 1UR इंजन के साथ तो फिर मीटर उसका डाला एवरी। बिल्कुल। अच्छा, इसका डैशबोर्ड भी टोटली कस्टम मेड है, मतलब जो इसका कंपनी बिल्ड डैशबोर्ड आता है वो निकाल के इसको आपने पर्पस बिल्ड बनाया? जैसे इंजन हम लोगों ने 12 इंच पीछे किया, तो और स्टैंडर्ड फायर वॉल सब काटना पड़ा, सब कुछ ऑल द वेन्यू बनाना पड़ा। ठीक है। सबसे पहले नीचे एक LCD नीचे लगी हुई है जो कि गियर के आगे जो लगी, गियर के आगे जो नीचे लगी है, उसका पर्पस ये है कि ये जो सेकेंडरी रेडिएटर है, सही है, और वो जो सेंसर की रीडिंग है कि क्या टेम्परेचर गाड़ी के चल रहे हैं। ठीक है। यहाँ से ये मॉनिटर होता है कि क्या सेकेंडरी रेडिएटर चल रहा है, सही है, और गाड़ी का टेम्परेचर, गाड़ी का टेम्परेचर क्या आ रहा है। ठीक है। को ड्राइवर वो मॉनिटर करते हैं। सही है। बाकी को ड्राइवर के पास GPS iPad होते हैं जहाँ से वो नेविगेट कर रहे हैं। ये ऊपर एक फेल सेफ स्विच लग रहा है, जैसे गाड़ी मास्टर स्विच है, वो क्या? मास्टर कट ऑफ स्विच है बड़ा, ये सेफ्टी के लिए है। ठीक है, कि खुदा ना खास्ता अगर आग वगैरह लग जाए, कोई आग वगैरह, यहाँ से आप बैटरी को कट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टली। उसके अलावा नेविगेटर के पास पांव में पैर में हॉर्न कंट्रोल भी मौजूद है। जी, हॉर्न है, फिर ग्लास ब्रेकिंग के लिए हैमर है। ठीक है। ड्राइवर साइड में भी है, को ड्राइवर साइड में भी है कि अल्लाह नहीं करे किसी इमरजेंसी में ग्लास तोड़ना पड़े या हार्नेस को कट करना पड़े। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी स्विचेस में एक स्विच है पड़ा कैबिन कॉकपिट की लाइट के लिए, दूसरा इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है तो एक स्विच इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग का है। सही है। फिर साथ में दो स्विचेस हैं, 1 each फॉर द फ्यूल पंप। ठीक है। अगर हमें दोनों फ्यूल पंप स्विच करना है तो ठीक है, दोनों स्विचेस ऑन कर। अच्छा, इसकी जो हैंड ब्रेक है ये बड़ी डिफरेंट स्टाइल की है, इसका क्या फंक्शन है? ये हाइड्रोलिक हैंड ब्रेक है। ठीक है। ये ऐसा हमारी रैली में इतना यूज होता तो नहीं। ठीक है, बट एज एन ऑप्शन गाड़ी में मैंने ये रखा है। अच्छा, अच्छा, बाकी गाड़ी क्योंकि पूरी सील्ड है और इसमें तो हवा कहाँ से आती है, कोई इसके भी कोई बंदोबस्त रखा हुआ है आप? इसके लिए सबसे पहले तो 3 स्कूप्स लगे हुए हैं रूफ के ऊपर, एक सेंटर में लगा है। सही है। और 2 एक राइट साइड ड्राइवर के हेड के ऊपर और एक को ड्राइवर के हेड के ऊपर। ठीक है। ये 3 स्कूप्स हैं एयर इन के। ठीक है। अदर देन दैट वेंटिलेशन के लिए इसके ये स्कूप्स लगे हुए हैं इसके मिरर के ऊपर। ठीक है। तो ये ऑल टाइम वेंटिलेट करते हैं। और तीसरा आपने बताया कि आपका जो सूट है उसके अंदर पानी, तीसरा सूट है तो वो भी हेल्प आउट करते हैं, प्लस देयर इज अ विंडो। ठीक है, जो कि इजीली ओपन हो सकती है एंड क्लोज हो सकती है। सो अभी इस सेटअप के साथ इस गाड़ी ने भी कोई रेस नहीं की? 1UR इंजन के साथ गाड़ी ने चोलिस्तान 550 कंप्लीट किया। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3rd पोजीशन आई है। सही है। और अब सुपरचार्जर लगाया तो होपफुली अपकमिंग थल रैली है तो इसका ट्रायल, तो प्रैक्टिस के लिए भी आप इसको लेके गए हैं कि अभी तक ये कंस्ट्रक्शन फेज में ही है? जो एडजस्टमेंट्स थी थोड़ी बहुत गाड़ी की, जो कुछ चीज़ों की इंस्टॉलेशन थी वो हम लोग कर चुके हैं। सही है। तो कुछ थोड़ा सा पेंट जॉब रहता है गाड़ी का। ठीक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्लान कर रहे हैं कि विद इन 1 to 2 weeks चोलिस्तान में इसका ट्रायल करेंगे। व्हील्स आपके मैं देख रहा हूँ BF गुडरिच के रखे हुए हैं और जो अलॉयज हैं ये मेथड के हैं। जी, ये मेथड के बीड लॉक्स हैं। सही है। तो बीड लॉक्स पे तो मैं अभी चोलिस्तान में शिफ्ट हुआ। ठीक है, उसे पहले नहीं आप यूज़ करें? पहले तो मैं वो कोर्सा की व्हील्स यूज़ करता। ठीक है। टायर उतरना बड़ा मेजर प्रॉब्लम है सब ड्राइवर्स के। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी काफ़ी फेस किया, थल में भी मेरे साथ हुआ। सही है। तो थोड़ा वेट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बीड लॉक्स के साथ, वेट ज़्यादा इनका। थोड़ा इनका ये कि आफ्टर फ्यू माइल्स गाड़ी चलाने के बाद सारे इसके बीड्स को रिटॉर्क करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। मतलब इस तरह की फॉलो अप है बीड लॉक्स के साथ। सही है। बट इसका ये एडवांटेज है कि हम लो प्रेशर चला सकते हैं। लो प्रेशर होगा तो टायर का सरफेस बढ़ जाएगा, एक्सपैंड करेगा। जितना सरफेस एक्सपैंड करेगा टायर
उतना ग्रिप करके आगे मूव फॉरवर्ड करेगा। बिल्कुल ठीक है, सैंड में सही है। देखें आप जितना भी पुश करके आ रहे हो और आपको 4 to 5 minutes अगर टायर चेंज करने का कॉस्ट कर जाए वो तो आपकी रैली की, बिकॉज अब तो मैं देख रहा था कि खास तौर पे ए प्रिपेयर्ड में तो विद इन सेकंड्स की गेम है। एक अच्छा दूसरी गाड़ी में मैं खड़ी देख रहा था, वो भी आपकी है, प्री रनर है, रैकी व्हीकल है या वो, उसके क्या इस्तेमाल करते हैं? ये टोयोटा हाइलक्स है, ठीक है सर, 2018 है, सही है। ये मेरा ट्विन ब्रदर है असद, सही है, ये गाड़ी असद रेस करता है, सही है। और ये पाकिस्तान वाला है वो है जी, ये पाकिस्तान 1GD 2.8, ठीक है। और इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा कार्बन फाइबर का काम है, और ये हमारे कैमरे में अगर दिखा सके तो ये कोई रैप नहीं है, ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। और इसका फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, एट द सेम टाइम ये स्ट्रेंथ भी देता है गाड़ी को जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है। इस गाड़ी में सिर्फ एक चिप लगी हुई है, बाकी कम्प्लीटली स्टैंडर्ड है, सही है। तो परफॉर्मेंस में एक चिप लगी हुई है और फ्रंट माउंट इंटरकूलर लगा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा स्टॉक है, उसके अलावा सस्पेंशन जैसे सबकी गाड़ियों में टोटल क्योस लगा हुआ है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी शॉक्स के साथ, सही वो है। और बैक पे लीफ स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड 12 inch के ट्रिपल बाईपास शॉक्स के साथ। और बॉडी वर्क्स में इसके ये हुड, फेंडर्स, चारों दरवाजे, ये सब कार्बन फाइबर है, सब कार्बन फाइबर है। और उसकी वजह से मतलब उसका वेट इतना रिड्यूस है कि मैं भी दरवाजा खोल के देख रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे विदाउट एनी एफर्ट, उसकी कोई वेट ही नहीं है बिल्कुल ही। और एडवांटेज है इसका, इंजन आपने बताया स्टॉक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड है। इसकी जो रोल केज है, रोल केज जो है ये भी मुझे, मैंने देखा है कि जो आम गाड़ियों से उससे बहुत ज़्यादा एक तो स्ट्रेंथ वाली लग रही है और क्वालिटी में बेहतर लग रही है, तो ये भी पाकिस्तान में फैब्रिकेट की गई कि इम्पोर्ट? ये इधर मुल्तान में खुद फैब्रिकेट किया हम लोग। अच्छा, मुल्तान में हम खुद फैब्रिकेट, रोल केज पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर क्वालिटी के बन गए, अच्छे स्पेस। मेरा ख्याल है और मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम हुआ एक्सटेंसिवली, बिकॉज हमने भी कभी अगर रोल केज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हुई तो मुल्तान का नाम हमेशा आता है इसके लिए। मुल्तान में हमारे पास है फैब्रिकेटर, सही है, मोहम्मद यामीन नाम है, ठीक है, बहुत अच्छे फैब्रिकेशन करता है रोल केज इसके, सही। अच्छा, ये गाड़ियों की सारी मेंटेनेंस, उसके लिए आप बता रहे थे कि अपनी वर्कशॉप भी आपने पूरी बनाई जहाँ पे हमें मौजूद है, तो हम अपने व्यूअर्स को वो भी दिखाते हैं। तो वर्कशॉप अपनी बनाने का ख्याल कैसे आया, क्या आपको कोई हार्डशिप फील हुई दूसरी वर्कशॉप पे काम करते हुए, या आपको लगता है कि इट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, या आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो क्या सोच थी वर्कशॉप बनाने से पहले? वर्कशॉप बनाने से पहले टूल्स एंड इक्विपमेंट सारा पहले का मौजूद था, क्योंकि 6-7 साल हो गए हैं रेसिंग कर रहे हैं हम लोग, सही है। तो टूल्स सब कुछ था, टीम भी डेवलप थी ओवर द ईयर्स, तो बजाय इसके कि एक वर्कशॉप गाड़ी जा रही है फिर दूसरी वर्कशॉप जा रही है, तो इट वॉज बेटर कि हमने एक जगह रेंट की, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट कमर्शियल वर्कशॉप, सही है, ये आपकी डोमेस्टिक अपने लिए, डोमेस्टिक अपनी। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपने इक्विपमेंट पूरा लिफ्ट से लेके और आप पूरी इंसुलेशन शीट, और अगर हम दिखा सकें, अगर हम फेस वाइज एक एक जगह पे अगर चलते हैं तो ताकि यूजर्स को दिखा सकें कि जितना बेहतर इक्विपमेंट है, जितनी अच्छी मैन पावर है, उतना टाइम सेव होगा, वर्किंग क्वालिटी भी सही उतनी बेहतर होगी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बड़ा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, बकायदा पूरा चार्ट बनाया हुआ है ग्रांड चार्ट के कौन सी चीज़ कब करनी है, सो आपकी टीम जो है बड़ी ऑर्गेनाइज वे में चलती है जी, वो सारा उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो अभी वो पिछले सस्पेंशन पे जैसे लिमिट स्ट्रैप बेल्ट खुला हुआ था गाड़ी का, ठीक है, तो ये उसके रिलेटेड जो डाटा है लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, बिल्कुल, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग फिर ये आगे शॉक्स वगैरह जो है ये आपके रिजर्व शॉक्स हैं या आपके रेस कार के? ये रेस कार के शॉक्स हैं, ठीक है, तो ए प्रिपेयर्ड की गाड़ी है, तो ये अभी क्योंकि पिछले सस्पेंशन में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये खोल के इधर रखे। और ये आगे गाड़ी का गियर पड़ा है जी, ये ट्रांसमिशन है, ठीक है, ये 1UR का ट्रांसमिशन है, सही है। सो 1UR जो आपकी गाड़ी से पहले 4.6 नहीं 4.6 सेम इसी का लैंड क्रूजर का ट्रांसमिशन, सो आपने एक एडिशनल रखा हुआ, एक एडिशनल एज अ स्पेयर पड़ा, सही है। अच्छा, रेस के लिए कितनी जरूरी है कि आपके पास जो गाड़ी है उसके कितने स्पेयर आपके पास, किस लेवल तक आप मेंटेन करते हैं अपनी वर्कशॉप पे भी? देखिए, स्पेयर्स वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब जब भी ज़रूरत पड़े तो इजीली मार्केट पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेयर्स पहले से जितने ज़्यादा मौजूद होंगे तो उतना मतलब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है गाड़ी को, टाइम भी बच जाता है, टाइम गाड़ी बनाने में परफॉर्मेंस हो गई, सही है। जैसे रैलीज़ के टाइम पर आपको अगर किसी पार्ट की ज़रूरत पड़ गई है तो उसको उस वक्त सोर्स आउट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपके पास इन्वेंटरी पूरी मेंटेन्ड है तो इट्स रियली इजी देन, ठीक है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट को कंसीव करने में, आइडिया सोच के प्रैक्टिकल लाने में एक आम यूजर्स के लिए पूछना चाह रहा हूँ, कितना टाइम लगता है? सो इट्स नॉट एन ओवरनाइट गेम, अगर आपके पास चीज़ें आ भी गई हैं तो टेक लॉट ऑफ टाइम, कितना एक एवरेज बंदे को गाड़ी बनाने में टाइम लगेगा? मेरे ख्याल में सबसे पहले जो गाड़ी प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए, सही है, उसके लिए आपने जो भी मॉडिफिकेशंस करनी है, सही है, सारा स्पेयर पार्ट पहले आप ऑर्डर करें, वंस वो सब पहुंच जाए तो गाड़ी को फैब्रिकेट करके इंस्टॉलेशन में नॉट मोर देन 1.5 to 2 months लगने चाहिए। अगर आपके पास टीम अपनी है,
अगर टीम अपनी है तब भी, और अगर आप आउटसोर्स करके बनाएंगे तो 2 months is an ample of time for it. So, फैजल भाई बहुत शुक्रिया, आपने एक गर्म दिन में अपने मसरूफ स्केड्यूल से टाइम निकाला, वर्किंग डे है, और आप लोगों ने हमें ये सारी चीज़ें दिखाई और हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर की। कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला आपकी रेसेस का जारी रहेगा। विश यू गुड लक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेम है जी, थैंक यू पार्क व्हील्स। सो व्यूअर्स, ये था आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगाह करते रहा करें, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों के फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। ये था आज का एपिसोड, आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदों वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।